अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में अपने अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुमामीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज। बनिए कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रोवर्सी को इन छोटी बाजी की ही वीडियो से हम करने वाले हैं। बहुत देर की मेहरबान, आते आते कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके फाइनली फाइनली छोटी बाजी का वीडियो दो दिन के तवील दुरानिए के इंतजार के बाद मंजरे आम पर आ गया है। जहां तक मैं इनको जानती हूँ, एक दिन का गैप तो ये ले लेती हैं, लेकिन दो दिन का गैप कभी क्या इन्होंने एकदम लिया होगा? अपनी जितनी भी जर्नी है इनकी यूट्यूब की, वहां पर कभी क्या इस तरह से हुआ है कि दो दिन मुसलसल इन्होंने वीडियो ना बनाई हो? हाँ, एक दिन का गैप तो ये अक्सर, मतलब अक्सर तो नहीं, कभी कभार ले लेती हैं, लेकिन इस बार जनाब बिल्कुल मुकम्मल खामोशी थी। वरना इन्होंने अगर गैप लेना भी हो तो कम्युनिटी पोस्ट इस तरह से लगा देती हैं, अपने व्यूवर्स को इन्फॉर्म कर देती हैं कि भाई मैं बिजी हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरा वीडियो आ रहा है, या मेरा वीडियो आ जाएगा, या मेरा वीडियो रास्ते में है। लेकिन इस बार मुकम्मल खामोशी तैयार किए हुए थी और सस्पेंस सा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, व्यूवर भी खुश थे, मुतमईन थे, क्योंकि सज्जू साहब का कल वीडियो सामने आ गया और वहां पर जनाब कोसर कार्ड भी उन्होंने प्ले कर दिया था। तो सज्जू साहब की वीडियो देखकर लोगों को पता चल गया था कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, बाजी साहबा आराम फरमा रही हैं, या अपने बिजनेस में इस कदर टू मच बिजी हो चुकी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि अपने असली बिजनेस, बिल्कुल जनाब, जिसकी वजह से इनके वक्त, हालात, जज्बात, इनकी दुनिया बदल गई, व्लॉगिंग को यहां पर पसेपस डालकर अपने बिजनेस में ही गुम हो गई हैं। क्योंकि जो इनका कल के वीडियो से पहले लास्ट वीडियो आया था, वहां पर उन्होंने बोला था कि भाई शूटिंग के लिए उन्होंने जगह तय कर ली है, कहां पर इनकी शूटिंग होगी। इनकी मॉडलिंग की जो ख्वाहिश इनके अंदर बचपन से पिनपिना रही थी, वो पूरी होने का टाइम आ गया है, तो उसके लिए जगह का तयन भी कर लिया गया है और ये अपने रूम को स्टूडियो की शक्ल भी दे रही है, तो शायद उसमें बिजी थी और ये सब कुछ कर रही थी, और कपड़े भी इनके फाइनल की तरफ जा रहे हैं और बहुत जल्द वो अपने एडिशन को यहां पर लोगों के सामने रखेंगी। तो ये मसरूफियात इनकी चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, काला दुपट्टा ओढ़कर लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके ऊपर भी हम करेंगे बात। तो जनाब इनके जो बेवकूफ वाइटी फैमिली है, ये कहती है माय यूट्यूब फैमिली तो नहीं, आपकी बेवकूफ वाइटी फैमिली अंधभक्त जो है वो इस बार तसल्ली में रहे, क्योंकि सज्जू साहब का वीडियो आ गया। और वहां पर बिल्कुल जी, कल मुझे कॉमेंट आया बड़ा जबरदस्त, मेरा भी ध्यान इस तरफ था और मैं इस पर बात भी कल करना चाहती थी, लेकिन जहन से ये पॉइंट मेरे फिसल गया, निकल गया। बड़ा ही अहम पॉइंट है कि इन्होंने ये पत्ता, ये कार्ड खेला था, लोगों के सामने ये बात रखी थी, कोसर का हवाला देकर के कोसर जो है ना, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। कोसर को गलती का एहसास हो गया, या छोटी बाजी को अपनी गलती का एहसास हो गया, शिद्दत के साथ अपने व्यूज को इतने बुरे तरीके से गिरता हुआ देखकर। बिल्कुल जी, इनके चैनल का बहुत ही बुरे तरीके से अभी फिलहाल वक्ती तौर पे तो नजर आ रहा है कि डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। व्यूज इस कदर बुरे तरीके से गिरे हुए पहले कभी भी नहीं थे, जिस कदर अब हो गए हैं। वजह क्या है? वजूहात में अगर हम गौर करते हैं तो ये मोहतरमा खुद अपने चैनल की दुश्मन बनी, खुद अपने पैरों से कुल्हाड़ी मारते हुए यहां पर अपने चैनल के लिए नजर आई। बिल्कुल जाना, यहां पर इनके पेदर पे रिएक्शन वालों के ऊपर जो रिएक्शन इन्होंने दिए और जिस तरह से लोगों को जवाब दे रही थी और अपनी ड्यूल पर्सनैलिटी को यहां पे लोगों के सामने शो किया कि वो छोटी बाजी जो अपने बेबी वॉइस के साथ बड़ी मासूमियत के साथ लोगों के सामने अपना वीडियो का आगाज करती हुई और माई यूट्यूब फैमिली और इस तरह से करती हुई मासूम सा मुंह बनाकर, एक चेहरे के ऊपर मासूमियत सजाकर और दुनिया की आखिर मासूम औरत अपने आप को दिखाती हुई, हस्बैंड के मुजालिम से तंग आई हुई और जनाब सोतन के मुजालिम से तंग आई हुई एक ऐसी औरत के रूप में लोगों के सामने आती थी, लेकिन ये वाला उनका रूप देखकर लोग हिलकर रह गए और लोगों ने बिल्कुल भी इनके इस रूप को एक्सेप्ट नहीं किया और जनाब पे दर पे गलतियां करती गई। और इसके अलावा इनका अपनी व्लॉगिंग में लेस इंटरेस्ट, बिल्कुल जी बिल्कुल भी इनका अपनी व्लॉगिंग में इंटरेस्ट नहीं होना। वो लोग जो है ना, कहते ना, मेहनत अगर आप करते हो ना तो वो चीज नजर आती है और उस चीज में अल्लाह पाक भी आपका साथ देता है। इनकी पहले की व्लॉगिंग को अगर आप देखोगे तो अब की व्लॉगिंग को आप देखोगे ना, वहां पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता था। शाम के वक्त उठकर लोगों को बेवकूफ बनाती हुई, लोगों ने कभी इनको अपनी ही घड़ी के जरिए जो क्लॉक इन्होंने पीछे लगाया वहां पर रमजान के दिनों तक में भी अफ्तारी के टाइम पकड़ा और इनको हमेशा ही पकड़ा कि बहन आप तो रात के टाइम उठती हैं और पूरी रात आप शूटिंग करती हैं, आप क्या कर रही हैं, आप क्या दिखा रही हैं, कोई भी घर की रूटीन कुछ भी ऐसा नहीं कि बच्चों को कैसे आप संभाल रही, अपने घर को किस तरह से लेकर चल रही हैं, कुछ भी ऐसा इनकी वीडियो में देखने को नहीं मिल रहा था। वीडियो के नाम पर चंद क्लिप्स बनाकर उनको जोड़कर ताने बाने बुन कर तो वो यहां पर लोगों के सामने रख रही थी, जिसकी वजह
से लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। जब आप अपने काम में खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो फिर डेफिनेटली लोग भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको उस तरह से मजा ही नहीं आता देखने का। वो चीज, वो दयानतदारी, वो ईमानदारी अपनी व्लॉगिंग के साथ आपकी नजर नहीं आई। बिल्कुल जी, अब इनके जो व्यूज हैं लास्ट 2 वीडियोस के अंदर देख लें, 2 लाख तक भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि इसने बच्ची का थंबनेल लगाया उसके बावजूद भी इनके व्यूज ऊपर नहीं गए हैं। लोग अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं और लोग जो है ना मायूस हो चुके हैं इनकी व्लॉगिंग को लेकर। अब बिजनेस के हवाले से इतना पक पक पका बिजनेस का कर देख लिया, थंबनेल लगा लगा के देख लिया, अपने फनी वीडियोस, प्रैंक, क्योंकि इनके पास कंटेंट खत्म हो चुका था। तभी जब रमजान इनके घर में मौजूद था, ये बार बार हर दूसरे दिन अपने जो है ना प्रैंक वीडियो बना रही हैं, फनी वीडियोस बना रही हैं और ड्रामाई वीडियोस बनाकर यहां पर पता नहीं कंटेंट के नाम पर लोगों को क्या दिखा रही थी, क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे थे बार बार दुहाइयां देकर इनको कह रहे थे कि प्लीज आप अपनी डेली रूटीन हमारे साथ शेयर करो, हमें वो देखनी है। लेकिन वो मिसिंग है, वो लोगों को नजर नहीं आई और ना ही अभी तक आ रही है, जिसका कि आज इन्होंने खुद भी इजहार किया है और बोला है कि अब वो जो है ना अपनी व्लॉगिंग के ऊपर फोकस करेंगी। मगर कैसे करेंगी यार, समझ नहीं आती कि कैसे करेंगी। अगर इनके पूरे खानदान की ओवरऑल व्लॉगिंग को आप देखेंगे ना, तो व्लॉगिंग के नाम पर ये सारे के सारे लोग आप लोगों को चूना ही लगा रहे हैं। ये लोग दिन भर में कुछ कुछ क्लिप इस तरह से शूट कर लेते हैं व्लॉगिंग के नाम पर। व्लॉगिंग क्या है कि आप अपनी रियल लाइफ लोगों के साथ यहां पर शेयर कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ का आर भी आपको यहां पर नजर नहीं आता है। और ये बाहर निकल जाते हैं जी, बाहर खाना पीना करना है, बाहर घूमना फिरना, और सब एक ही पैटर्न को लेकर आगे चल रहे हैं। चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे नीनू हो, चाहे आपा डापा झापा हो, चाहे कोई भी हो, इनकी व्लॉगिंग में लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि खुद इनको व्लॉग बनाने में इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो जनाब यहां पर अब 2 दिन के तवील दुरानिए के इंतजार के बाद फाइनली अपना एक छोटा सा वीडियो लेकर सामने आ जाती हैं। और वहां पर क्या लोगों के साथ शेयर करती हैं कि जी इनकी जो अम्मी जान है नजमा साहिबा, वो हमेशा की तरह इनकी बेटी, छोटी बेटी आयत के लिए चश्मे वाले अंकल बिल्कुल जी उनके टप्पर समेत वो केक लेकर इनके घर में पहुंचे हुए थे। यकीन करें ये बंदा ऐसा है, मैं हैरान हो गई कि जब वो अपने बिजनेस के हवाले से शॉपिंग करने के लिए राजा बाजार गए थे, इतना रश वाला वो बाजार होता है, छोटी छोटी तंग तंग गलियां होती, तो वहां पर भी अपने पूरे टप्पर के साथ बिल्कुल जनाब अपनी फौज जफर मौज के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। इनकी बेगम साहिबा भी साथ साथ चल पड़ती है मुंह पे नकाब चढ़ाकर। बहरहाल जनाब पहले ये काम जो है डीडी और बीबी किया करते थे, अब ये जिम्मेदारी इनके हिस्से में आई है कि लोग इनको चीजें भेजते हैं तो फिर इनके जरिए से छोटी बाजी के पास आती है। मुझे लगता है इनके घर का एड्रेस लोगों को अब इन्होंने दे दिया, पहले डीडी और बीबी का दिया हुआ था। तो अब ये वाले फ्राइज ये अंजाम दे रहे हैं, देखते हैं कि ये कब तक, बिल्कुल जनाब ये कब तक ये फ्राइज अंजाम देंगे। इन्होंने भी चैनल बना लिया जी, इनको भी शॉर्ट आउट मिलते रहते हैं कभी इधर कभी बीबी के चैनल पर, तो इनका भी जो था मकसद वो पूरा हो चुका है। तो उनके हाथ ये केक भेजती हैं बच्ची की सालगिरह को, वहां पर केक वगैरह काटा जाता है। स्टार्ट में आप देखते हैं कि बच्ची की 2 महीने की मेरे ख्याल में वो वीडियो चलाती हैं, लोगों के साथ शेयर करती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरबद से बचाए है ना। और वहीं पर बच्ची के जख्म के हवाले से भी लोगों को बताती हैं और बताती हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से उसने सोचा कि भाई वो टाइम देती हैं अपनी बेटी को, क्योंकि वो इतनी बिजी चल रही थी कि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी के पैर का ये हाल हो गया है। अब टेस्ट के लिए रिपोर्ट्स वगैरह अब आएंगी, गया हुआ है उनके पाँव में से थोड़ा सा मवाद लेकर उन्होंने चेकिंग के लिए मतलब होता है ना टेस्ट वगैरह वो किया है। अल्लाह पाक जो है ना बच्ची को सेहत अता करे और कुछ भी ऐसा ना हो, बस वो ठीक हो जाए, जो भी चीज़ है जिस वजह से भी उसका जख्म ठीक नहीं हो पा रहा है वो मसला पकड़ में आ जाए और बच्ची ठीक हो जाए। बहुत सारी दुआएं जी आयत के लिए, अल्लाह पाक उसको लंबी सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। लेकिन माँ की लापरवाही यहाँ पर साफ नजर आती है। अच्छा ये जो फोड़े फिंसियां इनके खानदान में सब लोगों को हुई पड़ी थी ना, नजमा की बच्चियों को भी हुई पड़ी थी, वो इस वजह से थी कि ये लोग ट्यूबवेल में नहाते हैं, बारिश में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते हैं। आप स्विमिंग पूल में मतलब कितने सारे लोग वहां पर आए होते हैं और जम्स एक दूसरे के इंसानों की बॉडी के भी तो जरासीम होते होंगे ना, तो फिर आप बाहर आकर, वो लोग तो जाहिर सी बात है नहाते हैं, उनको पता है कि हमने बाहर जाकर भी शावर लेना है, साबुन के साथ अपने आप को नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, दूसरे कपड़े पहने, लेकिन ये लोग बाहर निकलकर अपने आप को सुखाकर इसी तरह से सो जाते हैं और मतलब फिर कब नहाते होंगे इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। उस वजह से ये जो फोड़े फिंसियाँ और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ इंसानी मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र भी हो जाती हैं, तो इन लोगों को इतनी भी सेंस नहीं है। बार 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 मैंने इसके ऊपर बात की है कि काश मेरी आवाज़ इनके खानदान तक किसी फर्द तक पहुँचे और इनको इतनी समझ और शऊर अकल आ जाए कि ट्यूबवेल में भी अगर आप नहाते हो, इवन के वकार और फातिमा भी यकीन करें, वकार इतनी उम्र का पढ़ा लिखा बना फिरता है ये इंसान, इसको भी इतनी समझ नहीं है कि ट्यूबवेल में से अगर आप नहा कर निकले हो तो आकर आपको शावर लेना है, साबुन के साथ अच्छे
तरह से शैम्पू के साथ नहाना है और कपड़ों को चेंज करना है, वो भी पंखे के आगे बैठकर। सुखास कूकर दोनों मियां बीवी बैठ जाया करते थे, तो गंदगी का ये आलम है भाई। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और बस नहाने की तौफीक अता फरमाए, खासतौर पर स्विमिंग पूलों में, छपड़ों में और ये ट्यूबवेलों में डुबकियां लगाकर ये उसके बाद नहा भी लिया करें। तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि इतना ज्यादा पानी के अंदर कर करके तो बच्ची के पाँव के ऊपर अब ऐसा जख्म बन गया है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। बहुत सारी दुआएं हैं जी मेरी उस बच्ची के लिए। उस हवाले से वो यहाँ पर लोगों को क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि अब वो उनका ख्याल रखनी थी और बच्चों को टाइम देना पड़ता है। डेफिनेटली जी बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो जनाब आज की वीडियो में भी कुछ भी खास नहीं था, जैसे कि पहले इनके वीडियोज के अंदर कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा था। और वही 2 घंटे में मैंने इनके व्यूज चेक किए तो 37K व्यूज थे, यानी कि 2 दिन के वक्फे के बाद भी अगर ये वापस पलटी हैं तो लोगों का इंटरेस्ट और खत्म होता जा रहा है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो पे आ गया है, तो इनके व्यूज फिर भी ऊपर नहीं गए। होता ना सस्पेंस में इनके अंत वक्त भागते आएंगे और देखेंगे और 400-500K इनके व्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग उस तरह से इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा कौसर वाली बात तो बीच में ही रह गई। तो मुझे बड़ा जबरदस्त कमेंट आया और इन्होंने ये पता फेंका था कि लोगों का पहले हम माहौल देखते हैं, हालात देखते हैं कि अगर हम ये बात करते हैं कि कौसर जो है उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, कौसर को गलती का एहसास हो गया, उसने गलती क्या की थी, वो गलती आज तक मंजरे आम पर नहीं आई कि उसको किस जुर्म की सजा दी है, वो जुर्म याद नहीं कौसर को भी। वो भी हंस रही थी जब सज्जू साहब ने कहा कि चले, मतलब कि उसको पता ही नहीं था कि अच्छा चलना भी है, यानी कि कोई लड़ाई भी हुई थी, तो वो सारा ड्रामा था। अब उसको उन्होंने ये पता यहां पर फेंका है लोगों का मूड चेक करने के लिए कि लोग इस पर क्या कहेंगे। तो बिल्कुल जी इनके व्यूवर्स ने बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया। वैसे खुद छोटी बाजी कहती है ना कि लोगों की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, लोग कौन होते हैं आपको डिक्टेट करने वाले, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो छोटी बाजी अगर आप कौसर आपका जो मेन कॉन्टेंट है उसको वापस लाना चाहती हैं और उसके आने से और इब्राहिम के आने से आपके व्यूज भी अच्छे खासे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाएंगे अब इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन चले फिर भी इजाफा तो होगा ही होगा, तो लोगों की आप क्यों सुनती हैं? आप तो अपनी मनमर्जी करती हैं, मनमोजी हैं, अपनी मर्जी से चलती हैं। तो आपके रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? कभी कभी आप इस तरह की हरकतें क्यों कर जाती हैं, ये भी लोगों को बताइएगा। तो जनाब ये पता इन्होंने इसलिए फेंका था कि देखेंगे कि लोग इस पर क्या कहेंगे। तो बिल्कुल जनाब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप लोगों का इनके बारे में। और कौसर मुझे ऐसा लगा था कि कौसर आज की वीडियो में नजर आएंगे कि दोनों एक गड्डी दिया दो लैना, रब साड़ा मेल करे हा, या सिर बिछड़ियां दो पहना। तो ये दोनों बहने बहने सोतन सोतने जो है ना मुझे नजर आएंगी, कौसर इनके घर में आ जाएगी कि मैं आ गई और ये दिल बड़ा करके कुशादा करके तो इनको गले लगा लेंगी और फिर बैठ के लास्ट में भाषण देंगी, ब्लैक बटा लेकर। ब्लैक बटा तो लिया लेकिन भाषण ये वाला नहीं था क्योंकि कौसर ही नहीं आई। हो सकता है अगले वीडियो में कौसर नजर आए। आप लोगों का क्या सोचना क्या मानना है जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। हम फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जनाब नीनू वन एंड ओनली कन्फेशन लेडी के ऊपर बात कर लेते हैं। नीनू फाइनली फिर से सामने आ गई हैं और वो बात जो मुद्दा मैं यहां पर रख रही थी कि भाई कौन सी औरतें हैं, क्योंकि जो पार्लर्स के काम होते हैं वो लेडीज ही करवाती हैं, हाउसवाइफ्स घर की औरतें करवाती हैं, तो कौन सी ऐसी औरतें हैं जो सारी सारी रात जाकर इनसे लैशेज करवाती हैं, इनसे सर्विसेज लेती हैं, नाखून लगाने की, लैशेज लगाने की या पार्लर की कोई भी सर्विसेज लेती हैं, कौन सी ऐसी लेडीज हैं जो पूरी पूरी रात जागती हैं। तो जनाब उन्होंने मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया है आज ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीनू साहिबा आपका कि आपने मेरी इस जो कंफ्यूजन थी ना, जो मेरे जहन में एक चीज चल रही थी कि आप मतलब सुबह 5 बजे कैसे घर पहुंचती हैं, कौन सी लेडीज हैं जो रात के वक्त आपसे ये सारे काम करवाती हैं, तो आज आपने आकर खुले में ये बात यहां पर रख दी है। जैसे कि आप अपनी जिंदगी के हवाले से भी कहते हैं खरा सच और बिल्कुल प्योर चीजें आकर यहां पर रखती रही हैं, बहुत सारी चीजें आपने अभी भी अपनी जिंदगी के हवाले से हाइड करके रखी हुई हैं, ऐसी चीजें जो आप खुद भी अपने मुंह से यहां पर बता नहीं सकती, उनका इकरार नहीं कर सकती। खैर जनाब इन्होंने अपने काम के हवाले से यहां पर थंबनेल के ऊपर लगाया है कि भाई डार्क साइड है इनकी रियलिटी, डार्क रियलिटी इनके काम की, मतलब बहुत बड़ा वर्ड है डार्क रियलिटी। हाँ आप ये मतलब कुछ और भी लिख सकती थी लेकिन ये जो आपने वर्ड लिखा है ना, ये वर्ड किस तरफ इशारा कर रहा है ये आप भी अच्छी तरह से जानती है, तभी आपने डार्क जो है ना रियलिटी लिखा है कि मेरे काम की डार्क रियलिटी और उसको यहां पर रखा है। और बिल्कुल जी मुझे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अच्छा जनाब जो नमाजी होता है ना वो कहीं पर भी चला जाए वो मस्जिद को ढूंढ लेता है, जो नशेई इंसान होता है ना उसको नशे की लत जो पड़ी होती है ना तो वो अपने तरह के लोगों को ढूंढ लेता है, वो मैं खानों को ढूंढ लेता है। जैसा इंसान खुद होता है वैसे ही लोग वैसे ही सोचें उसके साथ जुड़ती हैं। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके साथ पॉजिटिव लोग जुड़ेंगे, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव लोग और नेगेटिव थॉट्स आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। जैसी आपके अंदर का इंसान होता है ना वैसे ही लोग आपके साथ मैल खाते हैं और आप उनके साथ ही खुश रहते हैं ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, अगर के मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही होता है। नमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद मिल ही जाती है और नशेई को अपने नशे पूरे करने के लिए मैखाने मिल ही जाते हैं।
तो जनाब यहाँ पे नीनू ने कन्फेशन किया है, कबूल किया है, इकरार किया है, डार्क साइड दिखाई है और लोगों को बताया है कि भाई वो जो काम करती हैं वहां पर, वो जिन लोगों को, जिन लेडीज को लैशेज लगाती हैं, तो वो कुछ ऐसे काम करती हैं, मतलब कि नीनू की जो सारी बातें ना मैंने लिख कर रख ली हैं ताकि वर्ड टू वर्ड मैं आप लोगों के सामने रख सकूं, इसमें कोई भी एडिशन मैं अपना नहीं डालना चाहती हूँ। अच्छा जी, डार्क रियलिटी ऑफ आवर वर्क, वो कहती है कि कवाली नाइट के हवाले से इनको बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कवाली नाइट, यहाँ पर मैं वो तस्वीरें भी लगा दूंगी जहां पर लेडीज कवाली नाइट के नाम पर कवाली कवाली को आप ये जो डांस और नाजेबा ड्रेसेस पहनकर वहां पर वल्गर डांस करती हुई लेडीज, अपने पल्लू झलकाती हुई लेडीज, आधे अधूरे हाँ आधे नंगे जिस्म लेकर स्टेज के ऊपर थरकते हुए जिस्म जो आप दिखा रही थी, उसको आप कवाली नाइट का नाम देंगी, तो आप सीधे से कहती ना कि ये कोई डांस पार्टी थी, कोई किसी क्लब में किसी ऐसी जगह पर आप गई हुई थी, तो उसको कवाली नाइट का नाम आप दे रही हैं। आपको पता है कवाली लफ्ज क्या है, कवाली किसको कहते हैं? तो यहां पर मोहतमा आप गई हाँ करते होंगे लोग, लेकिन इस तरह से आपने आकर इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की है और इस चीज को लोगों के सामने रखा है। बिल्कुल जी, आप यहां पर ये कहती हैं कि आप कोई भी चीज लोगों से नहीं छुपाती हैं, आप जैसी हैं वैसी ही लोगों को दिखाती हैं। बिल्कुल आपकी इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम आपका दोगला और दोहरा चेहरा तो नहीं है। तो आपके खानदान में लेडीज जो है वो पार्टीज में जाती हैं इतने इतने बाजू पहनकर, तो वो कौन सी पार्टीज में जाती हैं? डांस पार्टीज, वहां पर डांस भी होते हैं। तो उनके बारे में जो अफवाहें, जो आपकी बड़ी बाजी हैं उनके बारे में, जब उस वक्त की अफवाहें थी कि वो भी डांस वगैरह ये वो पार्टीज में गई हुई है, तो वो तो छुपा कर रखती हैं, लेकिन चले आप दीदा दलेरी के साथ आकर यहां पर ये जो आपकी पार्टी थी, डांस पार्टी जहां पर आप गई हुई थी, उसको क्वाली नाइट का तो कम अज कम मोहतरमा नाम मत दे, आप इसको डांस पार्टी का नाम दे लें। और किस किस्म की डांस पार्टी थी उसको भी आपने अपने आधे अधूरे जुमलों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी की है। बहुत ज्यादा इनको तनकीद का निशाना बनना पड़ा है, लोगों ने बोला है कि एम मतलब मुमू डैश 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 पार्टी पर आप गई हुई थी या कवाली, और नीचे कमेंट में भी लोगों ने बोला कि खुदा के वास्ते इस डांस घटिया डांस पार्टी को आप कवाली पार्टी का नाम मत दें। तो जनाब उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देती हुई और खासतौर पर इस सवाल का जवाब देती हुई कि रात के 5-5 बजे तक कौन सी लेडीज हैं जो इनसे लैशेज लगवाती हैं, तो जैसे लोग होते हैं उनको वैसे ही लोग मिल जाते हैं, तो कोई भी शरीफ औरत कभी भी ऐसी लेडीज की आंखों पे लैशेज, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जारी सी बात आपका काम है जी, आप करेंगी, आपको उनके बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप उनको प्यार करती हैं वो आपसे प्यार करती हैं, आप उनको पसंद करती हैं वो आपको पसंद करती हैं, वो गलत काम करती हैं या सही काम करती हैं, वो गुनाह करती हैं या सवाब करती हैं, ये उनके खाते में जाएगा, लेकिन आपका उनके साथ रिश्ता है और आप उनके साथ रिश्ता बना के रखेंगी। पता है जो हमारे होते हैं ना, जो हमारा कहते हैं यार हल्का अहबाब, उससे हमारी पहचान बनी कि हमारे हल्का अहबाब कैसे हैं, किसी को पहचानना है उसके दोस्तों को हम देखते हैं कि उसके दोस्त कैसे हैं, उसका उठना बैठना कैसे लोगों में है, तो वहीं से पता चल जाता है कि ये इंसान किस किस्म का, इसकी आते कैसी हैं, है ना, ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, आपके नज़दीक नहीं होती होंगी। खैर जनाब, अच्छा कि आपने कन्फेशन किया है यहाँ पर, बता दिया है कि आप किस किस्म का, आपके जो काम आप कर रही हैं वहाँ पर किस तरह की लड़कियाँ हैं, और जनाब क्या क्या बोला है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जनाब, वो कहती हैं कि कवाली नाइट पर गई थी, बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि वो गलत काम है और प्रोसिक्यूटर्स हैं जो इस तरह से वहां पर डांस करती थी, उनके हवाले से बहुत ज्यादा कट लगाए हैं, इतने कट लगाए हैं कि इनसे बात की भी नहीं जा रही थी। अच्छा, जितने भी वहां पर लोग थे इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ सिवाय आशा के, कितने टाइम से कट 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 करके, तो फिर इन्होंने ये बात, मतलब कुछ तो मुझे इसकी बातों की समझ नहीं आती है, जुमले मुंह में जुबान में ही दब जाते हैं, कंप्लीट जुमले अदा नहीं कर पाती ना ये। अच्छा जी, कहती हैं कितने टाइम से मैं इनके साथ हूँ, इनके लैशेज वगैरह लगाती हूँ, वो नाइस लेडी है, वो क्या पहनती है, जो उसको अच्छा लगता है वो पहनती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब वो कहती हैं कि काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो डांसर हैं, जो वो काम करती हैं मेरे डार्क साइड, वो कह रही हैं ये है कि काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको ये पूरी पूरी रात जाती हैं, जाहिर सी बात है ऐसी लेडीज़ भी रातों को जागती होंगी ना, जिस तरह से इन्होंने बताने की आधे अधूरे अल्फाज में कोशिश किया कि वो लेडीज़ हैं जो रातों को जागती हैं, तो फिर इनको रात के टाइम ही उनके पास जाना पड़ता है, दिन के टाइम तो वो मेरे ख्याल में सोई पड़ी रहती होंगी। वो डांसर हैं मतलब जिनका काम के मतलब ये वो बोल रही हैं हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो लोग ऐसी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कहती हैं वो मेरे पास, वो इसी तरह से बात कर रही हैं ना, जुमले इनके कंप्लीट नहीं होते, जिनका ये काम होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं होता, और मेरी काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो ये काम करती हैं, मैं ये बात यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ कि देखो मेरा इनकी पर्सनल लाइफ से कोई भी कंसर्न नहीं है, अगर इन लोगों अगर ये लोग मुझसे प्यार करते हैं और मुझे बुलाते हैं, यानी कि वो आपको किसी भी पार्टी में बुला लेंगे और आप मुंह उठाकर चल देंगी,
मतलब आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आगे पार्टी किस किस्म की है, चले वो आपके क्लाइंट है, आपकी मजबूरी है, तरह तरह के लोग होते हैं, आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अब मैं इसके ऊपर क्या बोलूँ यार, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलूंगी। बोलने को आऊँ तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। यानी कि जिस पार्लर पे कहा जाता है ना कि छोटी बाजी काम करती थी, वहां पे भी छापे पड़े थे और इस तरह की लड़कियों को पकड़ा गया था। मतलब कि आप सब लोग इस तरह की जगहों पर आराम से जाकर काम कर लेते हो, फिर इस तरह के लोगों की वजह से शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इस वजह से जो शरीफ लोग होते हैं ना, और जो खामंद अपनी बीवियों की, जिनको इज्जतों का ख्याल होता है, एक तो वो लेट नाइट पूरी पूरी रात अपनी बीवियों को कभी भी ऐसे कामों के लिए घरों से बाहर जाने नहीं देते हैं, पैसा इतनी वैल्यू नहीं रखता, इज्जत बहुत वैल्यू रखती है, इसी वजह से ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के साथ दोस्तियों से गुरेज किया जाता है कि ये तो फंसेंगे खुद तो डूबेंगे, सनम हमको भी ले डूबेंगे, तो फिर साथ में दूसरे जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। बद से ज्यादा बदनाम बुरा होता है मोहतरमा, मेरा ख्याल है आप इशारा समझ रहे होंगे। इंसान अपनी जो होती है ना सोहबत, उससे पहचाना जाता है कि उसके दोस्त कैसे, उसका उठना बैठना कैसे लोगों से है। तो वो लोग जो समझते हैं कि ये मेरा काम कर देगा आसानी से, कोई भी शरीफ औरत तो उठकर पूरी पूरी रात जाकर उनको लैशेज नहीं लगाएंगे ना, इसलिए वो आपको याद करती हैं और आपके हस्बैंड इजाजत भी दे देते हैं। मुझे कहीं पर भी बुलाएंगे या कुछ ऐसा भी होता है, तो कल भी मैं अपने हस्बैंड यानी कि चारू के साथ गई थी, अकेली नहीं गई थी। मुझे कहीं से भी कोई प्यार से बुलाता है तो मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है और उन लोगों के साथ मेरा बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, तो मैं इनको इनकार नहीं कर सकती। वो जहाँ पर भी मुझे बुलाएंगी, जहाँ पर भी लेकर जाएंगी, तो मैं चुप करके आराम से चली जाऊंगी, क्योंकि ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। बहरहाल जनाब, अच्छी बात है उन्होंने आकर यहाँ पर कबूल किया और बताया कि मैं कोई भी बात अपनी आप लोगों से नहीं छुपाती हूँ। जिस तरह से मेरी जिंदगी है, डेफिनेटली उसकी लाइफ ये है, वो ऐसे ही जीती है अपनी लाइफ को, तो वो कुछ भी छुपा तो नहीं रही ना। ये अच्छी चीज़ है ना कि वो जैसी है वो वैसी आकर यहाँ पर बता देती है। लेकिन इन्हों अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डार्क रियलिटी ऑफ योर लाइफ है बहन, जो आप लोगों ने अभी भी छुपा कर रखी हुई हैं। अभी तो ये वो बातें हैं जो आपको लगता है कि लोग इसको सुनेंगे तो दांतों के नीचे उंगलियां नहीं दबाएंगे, तो बिल्कुल जी ये भी देखकर लोग दांतों के नीचे उंगलियां दबा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के नज़दीक ये चीज़ें नॉट अ बिग डील, और जो बिग डील है वो आप लोगों ने किसी खुडरे में अभी छुपा कर रखी हैं। आप लोगों का इनकी कवाली नाइट प्लस एम आहो आहो, तो के बारे में क्या सोचना क्या मानना है। वहां पर जो थरक रही थी औरतें, जिनके आंचल ढलक ढलक जा रहे थे, जो के आधे मतलब टूटे पजे कपड़े पहनकर वहां पर डांस कर रही थी, साड़ी मेरे ख्याल में थीम थी है ना, साड़ी वेयर की हुई थी सबने साड़ीज, और जनाब क्या वहां पे तमाशे हो रहे थे वो आप लोगों ने देख लिया। क्या आप उसको कवाली मानते हैं, क्या आप नीनू की इन बातों से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। का वीडियो मैं अपना यहीं पे खत्म करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, मेरी सुनी चलाई बहनों, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना डायो, क्यों, क्योंकि रब दिला चलंदा। अल्लाह हाफिज़।